ये हमारी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की आखिरी क्लास सेमेस्टर की, और इसके साथ ही यकीनन लास्ट भी है, लेकिन इसको हमने वीलॉग की फॉर्मेट में भी हम कर रहे हैं, और लेकिन इस पर राय भी हम ले लेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस भी, और मदन साहब मैं हम कहाँ तक पहुँचे और कहाँ तक, क्योंकि कम्युनिकेशन भी था और बहुत सारी चीज़ें थी, वी लॉगिंग थे, बहुत सारे टॉपिक्स भी थे, तो एक एक करके बात करते जाते हैं। जी अनंत दुरानी, आपसे शुरू करते हैं। जी मोहसिन साहब ने बहुत अच्छा पढ़ाया और डॉक्टर काशिफ ने उनको असिस्ट किया इस क्लास में, जो कि एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, और हमने बहुत इंजॉय भी किया इनके साथ, लर्निंग के साथ साथ हमने काफ़ी फन भी किया, और मैं अपने जैसे कि आप देख रहे हैं और आप इंशाल्लाह आगे भी जो स्टूडेंट्स आएंगे इस क्लास में इंशाल्लाह वो भी सीखेंगे। जी आगे नेक्स्ट वर्षा, हर कोर्ट में हम कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, लेकिन इस क्लास की खास बात ये थी, चाहे सर मौसम ने ली हो या सर काशिफ ने, वो ये थी कि पढ़ा लेकिन हंसते खेलते बहुत लाइट मूड में पढ़ा, और बहुत मजा आया दोनों सर के साथ, मुझे हमेशा ये क्लास और ये बैच याद रहेगा। जी शाहिन अमीर साहब। जी थैंक यू सर, और ये है कि सबसे पहले ये है कि हमारे दोनों टीचर्स के लिए बहुत ही नेक दुआएँ, नेक तमन्नाएँ, और ये कि हम लोगों ने बहुत कुछ लर्न किया इस क्लास में, होपफुली नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे एंड पे। अच्छा। और ये है कि ये लास्ट क्लास के जो ये वी लॉगिंग का जो सेगमेंट है ये मुझे बहुत पसंद आया, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू माई आर्टिकल, तो बहुत मज़ा आया। और ये था तीनों के लिए प्रेजेंटेशन थी उनकी, लेकिन ये कर दिया। नेक्स्ट कौन है अपना? बुखारी। पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपका और मौजूद साहब का, मौजूद साहब की सरकर्दगी में आपने हमारी क्लासेस वगैरह अटेंड की, हमें सिखाया, हमें वो और उसके बाद हमने इस ये जो बोरिंग सब्जेक्ट था इसमें सर इसमें सर ने हमें बहुत सारी एक फन का टच दिया, फन जो इसमें क्लास में हम बोर होने से बात की, बताने का मतलब यह है कि मतलब पढ़ा भी है और एंजॉय भी किया। अच्छा, और जीशान ट्रेनिंग क्लास। अच्छा जीशान, सर मौजम के हवाले से अगर मैं कहूँ तो क्योंकि मेरा पुराना टीचर है रेड मैन, और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में डॉक्टर काशिफ साहब, वी रियली एंजॉयड दिस, और ये जो लम्हात है ये हम हमेशा याद रखें कि अल्लाह आपको खुश रखे और सारे दोस्तों को खुश रखे। अल्लाह और अगले आ जाए फन साहब, आप भी तो तशरीफ लाएँ, बारी है अकेले खा चुके हैं अकेले। और ये दी थी मेरे पास आखिरी बचा हुआ था शाही मेवा, और ये इरफान साहब ने अकेले हजम किया। जी इरफान साहब आज बताएं खाते खाते। सबसे अच्छी क्लास आज की थी क्योंकि आज शाही सुपारी मिली। सर मौजम बहुत लाइव मूड में, बहुत फ्रेंडली पढ़ाते हैं, उनसे बढ़ के सर काशिफ ने फ्रेंडली माहौल रखा, किसी को बोर नहीं होने दिया, और इंशाल्लाह दुआ ही है अल्लाह ताला से कि आप तरक्की करें और ये इतनी जबरदस्त क्लास अंजाम तक पहुंच रही है। कोशिश करें कि पूरा पैकेट लेके आए शायद पढ़ेंगे ना कि एक अच्छा आए रिलेशन लो लास्ट आ जाए आ जाए आखिरी कमेंट आपके। अस्सलाम वालेकुम दुनिया। अजुनी का वीलॉग पे बहुत जबरदस्त काम था इसका, इनका मैंने देखा ही, ये इतना इन्होंने मेहनत की है। बताएं अजुनी के इसके हवाले से भी बताएं वीलॉग पे भी कि क्या जिंदगी के वीलॉग के दो जुमले जरूर बोलें, वीलॉगिंग पे बात करें। कर ले अगर आपको शौक है कर ले, नहीं अगर करनी चाहिए क्योंकि अपने डेली लाइफ के बारे में बताना चाहिए, अगर कोई आप प्रोडक्टिव काम करते हैं तो उसके बारे में जरूर लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अच्छा, और लेकिन ये अपने भाई का भी बताएं उसके YouTube चैनल, वो भी देखिएगा, नाम क्या है ये बताएं। नैन पर रेज उसका नाम है, प्लीज सब्सक्राइब करें सर, डॉक्टर राजा काशिफ जाधव है उनको भी सब्सक्राइब करें और प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छा, और ये हो गए, और नादिया सैयद छुप के भी बैठी हैं और वो नहीं आ रही, तो नहीं आ रही। अच्छा, आखिर में हम सब की तरफ से यकीनन क्लास आगे जाएगी, रिसर्च करेंगे ये जबरदस्त, और बहुत मेहनत इन लोगों ने मेहनत भी की, सेमेस्टर टू सेकंड था उनका फोर्थ, लेकिन सब्जेक्ट में इसमें आए, सबने मेहनत की और हमने कोशिश की कि प्रॉपर जितना अच्छा जा सकते हैं जाएं, और इसके साथ ही दें इजाज़त अगली क्लास से भी पढ़ते रहें, और सबके लिए नेक तमन्नाएं मेरी तरफ से भी, और आप सबके जुमला कहेंगे अल्लाह हाफिज़।